For more updates, subscribe to our channel. Click the links and enjoy watching the videos. Welcome dear student. वहारे हमदर्द इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे, इसके पार्ट टू को हम अभी शुरू कर रहे हैं। हमारा जो पैसेज है वो पेज नंबर 11 पर चल रहा था। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे भी नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। अब निबंध में आगे उन्होंने कहा है कि दर्द के मारे या जो परेशान मरीज है तो वो वैसे ही परेशान रहता है कि उसका दर्द उससे सहन नहीं होता है, और उस पर ये मिलने वाले और उनमें भी वो सिर्फ जो फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं, यानी औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं कि भाई हाँ हम आए हैं, मुंह दिखा दिया कि हम मिलने आए थे जब तुम बीमार थे। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते, तो इन्हें कोई हमदर्दी नहीं होती, ये बस दिखाने आते कि हाँ तुम बीमार थे तो हम आए थे तुम्हें मिलने के लिए। ऐसे ही एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा। अब जब भी मरीज को कोई मिलने जाता है तो मजबूरन उसको आंख खोल के उससे बात करनी पड़ती है, तो लेखक ने सोचा कि चलो अब आज तो मैं आंख बंद करके रखूंगा और आज कोई भी आए आंख खोलूंगा नहीं, ताकि वो जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाए, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो पता कैसे चलेगा कि वे मिलने आए थे। अब उन्होंने तय तो कर लिया था कि आज मैं सोया रहूंगा और पड़ा रहूंगा, लेकिन उनके ऑफिस के बड़े बाबू आए और वो बड़े बाबू उनको सोता हुआ देखकर सोचने लगे कि अगर ये सोया हुआ रहेगा तो इसको पता कैसे चलेगा कि मैं मिलने के लिए आया था। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया, अतः उन्होंने जगाने के लिए लेखक को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के दूसरे हिस्से को जोर से दबाया। अब जब उनकी नींद नहीं खुली तो जो बड़े बाबू थे उन्होंने उनकी जो दूसरी टांग थी उसको जोर से दबा दिया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो मुस्कुराते बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। सो जैसे अब आप वहां इमेजिन कर सकते हैं कि उनके पैर को दबा दिया और अब वो मुस्कुराते हुए बोल रहे कि अब दर्द कैसा है। सो इस तरह के लोग भी होते हैं कि अगर उन्हें किसी तरह से मरीज को अपनी वहां उपस्थिति दिखानी हो तो वो कुछ भी करके आपको जगाएंगे या किसी भी माध्यम से बताएंगे कि मैं वहां पर आया था। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने चार बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। अब उन्हें उनके मोहल्ले में जो सोनाबाई थी उनके बच्चे शायद शरारती होंगे, तो वो जैसे ही मिलने आई तो उन्हें लगा कि आज तो कोई ना कोई दूसरी दुर्घटना होके रहेगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। अब जैसे ही सोनाबाई आई तो उन्होंने इस तरह से इशारा किया जैसे हम चिड़ियाघर में जाते हैं और बच्चों को दिखाते हैं कि ये शेर है ये बंदर है, तो वैसे ही कि ये देखो वो टांग टूटा हुआ मरीज। तो इस तरह उन्होंने हास्य व्यंग में यहां पर बताया कि सोनाबाई ने कुछ इसी अंदाज में अपने बच्चों से मुझे मिलवाया। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की सीसी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज से मेरा ध्यान बटा, क्या देखता हूं कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा है। अब उनके जो बच्चे आए थे वो भी बड़े शैतान थे, उनकी लड़की जो थे उनकी दवाइयों की शीशों के साथ कथकली मतलब हाथ में लेकर डांस करने लगी, और दूसरी ओर उनका ध्यान हटा कि किसी चीज की सरसराहट या रप रप करके आवाज आ रही है, तो उन्होंने देखा कि उनके जो टूटी हुई टांग के साथ रेत की थैली लटकी हुई है उसके साथ सोनाबाई का जो लड़का है वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, यानी उसके साथ खेल रहा था। सो अब उनके जो दर्द है वो और बढ़ गया। मैं इसके पहले कि उसे मना करता सोनाबाई की लड़की ने दवा की सीसी पटक दी। एक तरफ वो लड़का और एक तरफ वो लड़की, वो दोनों के तरफ ध्यान देते हुए लेखक इससे पहले उसे बोलता कि बेटा वो सीसी रख दे, और जब उन्होंने दूसरी ओर देखा तब तक कि वो सीसी उसने फोड़ दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाफ दवा गिरना शुभ होता है। अब उनको तो लगा कि लड़की ने गलती तो कर ली है, लेकिन अब अपनी लड़की की गलती कैसे छुपाए, तो उन्होंने उस लड़की की तरफ घूर के देखा, फिर वो लेखक की तरफ मुस्कुराते हुए बोली कि भाई पेड़े खिलाफ दवा का गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। अब वो आगे और उसमें ऐड कर रही है कि दवा का गिरना शुभ होता है, दवा गई मतलब बीमारी गई, यानी आप जल्दी ठीक होके अब घर आने वाले हो। इसके दो घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कर कर कि फिर आऊंगी, मैं भीतर तक कांप गया। अब दो घंटे तक सोनाबाई उनके उस वार्ड के अंदर थी, और दो घंटे उन बच्चों ने उधम मचाने के बाद और लेखक परेशान हो गए। उसके बाद जाते जाते फिर सोनाबाई कहेगी
कि अच्छा मैं जाती हूँ फिर आऊंगी। जैसे उसने फिर आऊंगी कहा तो लेखक जो है वो कांप उठे कि अब ये अगली बार जब आएगी तो मेरे साथ क्या होगा। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी, उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया। अब और आगे वो व्यंगात्मक रूप से कह रहे हैं कि रिश्तेदार तो रिश्तेदार, लेकिन जो बाहर गांव से मिलने के लिए आते हैं वो बड़े ही दुख और इमोशन या भावनाओं के साथ भरकर आते हैं और मरीज से मिलने लगते हैं और फिर उनका रोना धोना चालू हो जाता है। तो ऐसे ही एक दिन एक टैक्सी हॉस्पिटल में आके रुकी और वो आदमी दौड़ता हुआ आया और सीधा लेखक की छाती के ऊपर सर रखकर रोने लग गया और बोलने लगा कि हाय ये तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। अब वो जो आदमी वहां दहाड़े मारकर रो रहा था उसको देखकर लेखक अंदर सोच रहे कि चलो कार से मेरा एक्सीडेंट हुआ तो हुआ, लेकिन तुझे क्या हुआ जो तू इतना दहाड़े मारकर रो रहा है। तो थोड़ी देर वो वैसे ही पड़ा रहा, फिर हल्के से उसने सर उठाया, लेखक की तरफ देखा और चुपचाप देखकर शांत हो गया और उसका रोना धीरे धीरे कम हो गया। फिर धीरे धीरे हंसते हुए बोला, माफ करना मैं गलत कमरे में आ गया। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं है, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अब वह आदमी ने जब चेहरा हटाया और देखा कि लेखक तो वो व्यक्ति है नहीं जिससे वो मिलने आया है, तो वो सिर हटाया उसने और हंसते हुए बोला कि माफ करना मैं जिनसे मिलने आया था वो कोई और है, लोग बराबर कमरा बताते नहीं है, शायद गुप्ता जी बगल वाले कमरे में है। हे 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 अच्छा भाई माफ करना, वह है करके हंसी में वो बोलता है और माफ करना करके बाजू वाले कमरे में चले जाता है। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे में सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। अब वही आदमी जो यहाँ रो रहा था लेखक के पास, वो बगल वाले कमरे में वही जो दहाड़े मारकर यहाँ रो रहा था वही जो नाटक है वो वहां करने लग गया, क्योंकि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आते हैं। सो उनको उस आदमी पर तो गुस्सा उतना नहीं आया, उनको उनकी पत्नी पर गुस्सा आया, क्योंकि वो जिस तरह से उनकी छाती पर दहाड़े मारकर जो रो रहा था, तो उनकी पत्नी को लगा कि ये कोई मेरे पति का बहुत बड़ा रिश्तेदार है जो इस तरह से आया और रो रहा है। तो उसको रोता देख पत्नी गई और टैक्सी का सारा किराया चुका दी, तो इसलिए लेखक को अपनी पत्नी पर ज्यादा गुस्सा आया। सो ये था इसका दूसरा पार्ट, अब हम आगे के वीडियो में इसका तीसरा पार्ट लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the links and enjoy watching the videos.